आप सीख रहे हैं टैग, जिसे हम क्वेश्चन टैग के नाम से भी जानते हैं। टैग में क्या होगा कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होगा आपका मेन पार्ट। मेन पार्ट अगर पॉजिटिव है तो इसका टैग नेगेटिव बनेगा, मेन पार्ट अगर नेगेटिव है तो इसका टैग आप पॉजिटिव बनाओगे। अगर क्वेश्चन टैग में नाउन यूज हुआ है तो फिर आप उस नाउन को रिपीट नहीं करोगे। ये बात आप पहले से ही सीख चुके हो कि किसी भी सेंटेंस में हम नाउन को बार बार रिपीट होने से बचाने के लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो नाउन की जगह पर फिर आप क्या यूज करोगे, प्रोनाउन। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, आई एम इनोसेंट नाउन होगा तो उसकी जगह पर हम प्रोनाउन यूज करेंगे, लेकिन अगर मेरे पास प्रोनाउन है उसको तो नहीं चेंज करेंगे, वो तो वही रहेगा। अब आई एम इनोसेंट इसको देखा जाए तो ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, और अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसका टैग नेगेटिव बनेगा। इसका टैग कैसा बनेगा, इसका टैग नेगेटिव बनेगा, इसका मतलब कि पॉजिटिव वाले ऑप्शन कैंसिल कर दो। आप में से ज़्यादातर लोग इसका टैग बनाएंगे एम नॉट आई, जबकि एम नॉट आई नहीं होगा। दरअसल एम नॉट आई इंग्लिश में कोई वर्ड ही नहीं है। इंग्लिश ग्रामर में साफ साफ कहा गया है कि एम नॉट आई कोई वैलिड वर्ड नहीं है, और जब वो वैलिड नहीं है तो हम उसका प्रयोग भी नहीं कर सकते। अगले कुछ क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन फॉर द ईयर्स, हैव बीन आई, हैव नॉट बीन आई, हैव नॉट आई, हैव आई। जब आप टैग्ड जाओगे तो केवल आपको हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, बस उसी से आपका टैग कंप्लीट हो जाएगा। आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन फॉर द ईयर्स। अब ये वाला जो टेंस का पार्ट है ना, इसी पार्ट में हम एड ऑन करेंगे। भाई ये पॉजिटिव है पूरा सेंटेंस आपका, तो टैग कन्फर्म हो गया कि वो नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव वाले हटा दीजिए। अब जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है वही हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज करेंगे अपने टैग वाले पार्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और इसी का प्रयोग हम इसमें टैग में करेंगे, तो क्या बनेगा जाकर के, हैव नॉट बीन आई। नेक्स्ट, दे कैन नॉट लिफ्ट दिस वेट, विल दे, कैन दे, वुड दे, डू दे। अब ये वाला सेंटेंस आप देख पा रहे हो, ये सेंटेंस आपको नेगेटिव दिख रहा है, और अगर ये पार्ट नेगेटिव है तो इसका मतलब है इसका टैग पॉजिटिव बनेगा। अब पॉजिटिव वाले ऑप्शन देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें देखो नॉट लगा है तो इसका मतलब है हेल्पिंग वर्ब, तो हम वही यूज करेंगे। तो विल वाले, वुड वाले, डू वाले तो हटा ही दीजिए, क्योंकि हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं कर सकते। जो हेल्पिंग वर्ब हमारी मेन पार्ट में यूज हुई है वही हेल्पिंग वर्ब हम टैग में यूज करेंगे। तो टैग में जो कैन आएगा, सब्जेक्ट आपका दे है, नॉट इधर लगा था, तो टैग में हमें नॉट को यूज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, The boys could do this work. The boys could do this work. Do not they, could not boys, could not they, या फिर can't they। Helping verb ध्यान रखना, और साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखना कि आपकी टेंस कौन सा है, सब्जेक्ट क्या है। हालांकि यहाँ पर द बॉयज की जगह पर वो हाँ दे आया तो है, सेंटेंस में दे है, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि हम नाउन को रिपीट नहीं करते हैं, और द बॉयज भी आपका नाउन है, उसे भी रिपीट नहीं करेंगे। तो द बॉयज कुड डू दिस वर्क, कुड को ही हम मेन मान के चलते हैं, डू नॉट तो नहीं आएगा। इधर बॉयज कर दिया, हालांकि आप इसको भी सही कर सकते थे, लेकिन इसमें गलती यह है कि इसमें नाउन को रिपीट कर दिया गया। अब इधर कुड है तो इधर हम कैन तो कर नहीं सकते, तो क्या रहेगा, कुड नॉट दे ही रहेगा, क्या रहेगा, कुड नॉट दे रहेगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, नथिंग इज योर्स, इजंट इट, इज योर, इज नॉट योर, इज इट। ध्यान रहे नथिंग एक नेगेटिव वर्ड है,
नथिंग अपने आप में नेगेटिव होता है, और अगर नथिंग अपने आप में नेगेटिव है तो इसका टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव। इज है तो नॉट तो हटा ही दीजिए, नथिंग नेगेटिव है इसलिए हमने नॉट का यूज नहीं किया, हेल्पिंग ऑफ इज ही रहेगी। अब कभी भी आपके पास अगर मेन पार्ट में सब्जेक्ट के रूप में नथिंग आ जाए, नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, और वस्तुओं के लिए हम ही से तो यूज करते नहीं है। वस्तुओं के लिए टैग में जो सब्जेक्ट आपका बनेगा वो क्या बनेगा? इट। भाई वस्तुएं हैं, वस्तुओं के लिए तो हम सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करेंगे, तो इसका क्या बन जाएगा? इज इट। इसी जगह अगर एवरीवन समवन नो बनाए तो उसकी बात आगे बताएंगे आपको। अगला क्वेश्चन देखो, सी राइट्स हिंदी वेल, तो डू नॉट सी, डज नॉट सी, इज नॉट सी या इज सी? सी राइट्स हिंदी वेल। अब आप देख पा रहे हो कि ये वाला मेन पार्ट है, इसी का बनाना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव क्वेश्चन टैग डज नॉट सी बनेगा जाकर। कौन सा पार्ट होगा? डज नॉट सी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, आई डेयर नॉट टॉक टू माई फादर, डू आई, डेयर आई, डू नॉट आई या फिर डेयर नॉट आई? इसका देखें तो यहां पर डेयर तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है, मेन वर्ब तो टॉक है मेरे पास, हेल्पिंग वर्ब का ही ध्यान रखेंगे, नॉट आया हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही तो बनाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा? डेयर आई, क्या रहेगा? डेयर आई। इस तरह के क्वेश्चंस पर ध्यान रखना होगा आपको।